और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा और उनकी नियुक्ति के कुछ ही घंटे के बाद आ गया। गुलाम नबी आजाद ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा भेजा और साथ ही जिम्मेदारी के लायक समझने के लिए पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया भी अदा किया। गुलाम नबी के इस्तीफे से अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 16 अगस्त को ही कांग्रेस ने प्रदेश में संगठन में बड़ा बदलाव किया था। प्रचार समिति के साथ साथ गुलाम नबी आजाद को राजनीतिक मामलों की समिति और समन्वय समिति का प्रमुख भी बनाया गया था। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष है और वही नियुक्तियां करती है, तो गुलाम नबी आजाद G23 के उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे और पार्टी में सुधारों की मांग की थी। ऐसे में इसके बाद हाईकमान के साथ उनके रिश्ते तलख भी हुए थे। जिन रसूल वानी को जम्मू कश्मीर कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो भी गुलाम नबी आजाद के करीबी माने जाते हैं। और इसके बाद भी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से अब हैरानी हो रही है, उसकी वजह क्या है। फिलहाल तो उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया है, लेकिन अब देखना है कि इसका इंपैक्ट यहां पर अगर आने वाले जो राजनीति होगी या फिर चुनाव होंगे उस पर क्या पड़ती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।